हाँ भाई, क्या सीन है फिर? आईफोन और एंड्रॉइड की दुश्मनी बहुत पुरानी है और आज इस दुश्मनी का एक और चैप्टर शुरू होने जा रहा है पिक्सल 8 के साथ। आईफोन 15 80,000 का है और पिक्सल 8 76,000 का। देखते हैं कि 80,000 रुपए खर्च करके लेटेस्ट आईफोन लेना चाहिए या फिर 4,000 रुपए और एक किडनी बचा के पिक्सल लेना चाहिए। कैमराज में दोनों के अंदर दो कैमरे हैं। मेन लेंस के मेगा पिक्सल के अंदर ज्यादा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पिक्सल के अंदर जूम जो है वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छा होगा। पर ये दोनों फोन जाने ही जाते हैं अपने अपने कैमरास के लिए, तो दोनों के अंदर फोटोज तो बहुत बढ़िया आएंगी, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी के अंदर पिक्सल ज्यादा आ गया है। लेकिन अगर आपको वीडियोस बनाने का थोड़ा ज्यादा शौक है तो वहां पे आईफोन को आज तक कोई नहीं हरा पाया। दूसरा लेंस दोनों के अंदर है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और पिक्सल ने यहां पे भी बाजी मारी है, क्योंकि पिक्सल सिर्फ अपना कैमरा हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा यूज करता है अपनी फोटोज को प्रोसेस करने के लिए। गूगल ने इस बार कुछ स्पेशल फीचर्स भी डाले हैं पिक्सल फोन्स के अंदर। जैसे अगर आपने स्काई के साथ अपनी कोई फोटो खींची है तो फोटो लेने के बाद आप स्काई का कलर चेंज कर सकते हो, और अगर आपने अपनी खुद की फोटो खींची है और आपको फोटो खींचने के बाद पता चल रहा है कि यार मैं इस फोटो में बीच में नहीं खड़ा, तो आप खुद को मूव भी कर सकते हो फोटो के अंदर। और ये सारी चीजें आप एप्पल के आईफोन के अंदर करने का सोच भी नहीं सकते। गूगल का काला जादू है भाई। तो कैमरास तो दोनों फोन्स के ही बहुत कमाल के हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ फोटोज खींचनी है तो आप पिक्सल लो, लेकिन अगर आपको 75Hz की वीडियो बनानी है या फिर गंजी चुड़ैल वाली रील्स बनानी है तो आप आईफोन 15 लो। सेल्फी कैमरा के अंदर आईफोन का फ्रंट कैमरा ज्यादा मेगापिक्सल वाला है, लेकिन दोनों फोन ही बहुत बढ़िया सेल्फीज लेते हैं। दोनों फोन्स के बैक और फ्रंट के अंदर ग्लास लगा हुआ है, लेकिन आईफोन का बैक ग्लास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, ये दोनों फोन्स ही थोड़े कॉम्पैक्ट फोन्स की लिस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन पिक्सल की जो स्क्रीन है वो 0.1 इंचेस बड़ी है आईफोन के कंपैरिजन में, अगर किसी को फर्क पड़ता हो इस बात से तो। और दोनों की डिस्प्लेस के अंदर बहुत ही बढ़िया कलर्स आते हैं एकदम उभर उभर के, क्योंकि दोनों ही ओलेड पैनल्स हैं। हाँ, लेकिन आईफोन की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर है। हाँ, लेकिन दो चीजें हैं, एक जिसमें आईफोन आ गया और एक जिसमें पिक्सल आ गया। जिस चीज के अंदर पिक्सल ज्यादा आगे है वो है डिस्प्ले की स्मूथनेस, एकदम चकाचक चिकनी डिस्प्ले है उसकी, क्योंकि पिक्सल की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट एकदम डबल है आईफोन के रिफ्रेश रेट से। तो नॉर्मली फोन चलाने में, एप्स वगैरह खोलने और बंद करने में पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगेगा, लेकिन भाई एनिमेशंस दोनों के अंदर ही बहुत बढ़िया है। दोनों 80,000 के फोन है भाई, एनिमेशन बढ़िया होनी भी चाहिए। लेकिन हमारा प्यारा आईफोन आगे है ब्राइटनेस में। तो धूप के अंदर फोन चलाने में आईफोन की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा क्लियर दिखेगी। पिक्सल की भी ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन आईफोन की थोड़ी सी बेटर है। बाकी आईफोन के अंदर एक इतनी चौड़ी नॉच है और पिक्सल के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पंच होल सिर्फ कैमरे के लिए। अब चाहे वो नॉच हो या फिर पंच होल, दोनों चीजों की आदत पड़ जाती है कुछ दिनों में फोन यूज करते करते। इन दोनों फोन को ताकत देने के लिए आईफोन के अंदर है A16 बायोनिक और गूगल के अंदर है उनकी टेंसर चिप का थर्ड जनरेशन। और आईफोन की स्पीड बेटर नहीं, बहुत ज्यादा बेटर है। आईफोन फास्ट भी ज्यादा है, उतना ज्यादा हीट भी नहीं होता जितना पिक्सल होगा, और कम से कम 3 साल तक एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखेगा। वहीं पे पिक्सल भी बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन आईफोन के कंपैरिजन में पीछे है, और गूगल की टेंसर चिप्स के अंदर हमेशा से हीटिंग इश्यूज तो रहे ही है। दोनों फोन्स को अनलॉक करने के लिए आईफोन के अंदर है फेस आईडी और पिक्सल के अंदर है फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों ही बहुत बढ़िया काम करते हैं, एकदम सुपर फास्ट है। बस आदत की बात है कि आपको फेस आईडी की आदत है या फिर अंगूठा छापने की। हाँ, पिक्सल के अंदर भी फेस अनलॉक है, लेकिन वो अपना फ्रंट कैमरा यूज करता है आपकी शक्ल पहचानने के लिए, तो उसका फेस अनलॉक अंधेरे के अंदर काम नहीं करता। यूजर इंटरफेस के अंदर ये दोनों फोन्स ही वन ऑफ द बेस्ट नहीं, एब्सोल्यूट बेस्ट है। एक जगह एकदम लेटेस्ट iOS है तो दूसरी तरफ एंड्रॉइड 14। हाँ भाई, पिक्सल 8 और 8 प्रो ऐसे पहले फोन है दुनिया के जो एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुए हैं। अपडेट्स के मामले में आईफोन को मिलेगी 5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स और पिक्सल को मिलेगी 7 साल की। 7 साल की, 2030 तक इसको अपडेट ही मिलती रहेंगी। 7 साल में तो बंदा 2 बार फोन चेंज कर लेता है। 7 साल में तो हमारे देश की 9 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई। 7 महीने में तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों एकदम बेस्ट है। बैटरी लाइफ आपको दोनों फोन्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम सी मिलेगी। दोनों फोन्स ही एक दिन चल जाएंगे। हर रात को दोनों फोन्स को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, लेकिन पिक्सल जो है वो ज्यादा जल्दी चार्ज होता है। लेकिन सवाल ये है कि आप 70,000 रुपए खर्च करके क्या गूगल का पिक्सल फोन लेना चाहोगे? क्योंकि पहली बात तो जो गूगल के सर्विस सेंटर्स है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है। एक बार को चलो सर्विस सेंटर्स की चीज हटा भी दो तो ब्रांड वैल्यू भी तो कोई चीज होती है, और एप्पल की इंडिया के अंदर ब्रांड वैल्यू अलग ही लेवल पे है। तो इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद क्या आप एक गूगल पिक्सल फोन लेने में इंटरेस्टेड होगे? बताना जरूर। और हम आपसे मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर। मुझे भी अपने आईफोन को दिन में 3री बार चार्ज करने जाना है।